वगैरह की बात है, ये वहां से पलटी है, पलट के खदानों खम्भों में टक्कर मारी है। मौके पे खत्म हो गया था, दो जिंदे थे उस टाइम। हाँ, पुलिस उस टाइम मौजूद थी यहाँ पे जिस टाइम गाड़ी में आग लगी है। बल्लभगढ़ मलेरणा रोड पर बने सैनिक फार्म हाउस के सामने रात करीब 11 बजे उस समय एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिस समय पहले तो एक वरना गाड़ी बिजली के खंभे में टकराई और उसके बाद सड़क किनारे कई बार पलट गई, जिसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी सवार तीनों युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला और मामले की सूचना पुलिस को दे गए। गाड़ी के अंदर फंसे तीनों युवकों को गाड़ी के शीशे तोड़कर भारी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन जैसे ही युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला वैसे ही गाड़ी से आग की चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग से जलकर खाक। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय अपने प्राण त्याग दिए। एक व्यक्ति फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वगैरह की बात है, ये वहां से पलटी है, पलट के खदानों खम्भों में टक्कर मारी है। टक्कर मार के हमने जैसे आवाज आई एक लड़के की, उसमें अंदर से तीन लड़के इसमें थे, उन तीनों को फिर शीशा तोड़ के निकाला है। उसके बाद इसमें स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग के बाद इसमें आग लगी, उसके बाद पुलिस आई है। तीन आदमी थे, एक तो यही मौके पे खत्म हो गया था, दो जिंदे थे उस टाइम। हाँ, पुलिस उस टाइम मौजूद थी यहाँ पे जिस टाइम गाड़ी में आग लगी है। और पुलिस पे फोन करा तो पुलिस आ गई थी। हमने और बहुत लोग थे, 8-10 लोग थे, हमने निकाला था उनमें से। हाँ, ड्रिंक कर रखी थी, ओवर ड्रिंक थे। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार सवार युवकों ने अधिक शराब का सेवन किया हुआ था और गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहे थे, जिससे गाड़ी अनबैलेंस होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से टकरा गई और ये हादसा घटित हो गया। हरियाणा वरदान के लिए बल्लभगढ़ से जितेंद्र बैनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।